वीडियो बना ली है लोगों ने मेरी आवार क्यों की, और आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुझे नोचने के बाद ये तुम्हारी तरफ जरूर लपकेंगे। अगर पैसे पूरे नहीं दिए ना 10,000 रुपए की प्लांटी लगेगी, यानी कि 20,000 रुपए। अबे रबड़ को सिर्फ इतना खींच जितना वो खींच सके, वरना टूट जाएगा। ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? किस्मत पे रश कर रहा हूँ। अबे देख 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 देख, ये अंबर ही है ना? ये तो 100% अंबर है। कार वाले के साथ क्या कर रही है? अबे लगता है कि शादी कर ली इसलिए। जल्दी कैसे बंदोबस्त करूंगी 5 लाख का? वाह, शोहर का डॉलरों का बिजनेस, और तुम्हें फिकर है रुपए की? क्या बात है अंबर, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ये पसीने क्यों आ रहे हैं तुम? बस कर दें, सो जाएं आप। हाँ यार बस सोता हूँ, बस एक अहम मीटिंग है कल, बस उसकी तैयारी कर रहा हूँ। बहुत मसरूफ कर लिया आपने खुद को, बिल्कुल वक्त ही नहीं है आपके पास, दिन रात बस काम काम, अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है आपको। तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कुछ वक्त आप निकालें अपने लिए, मेरे लिए। आई एम सॉरी यार, मुझे पता है मैं आजकल तुम्हें बिल्कुल वक्त नहीं दे पा रहा। मेरा ये मतलब नहीं है, मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने लिए आराम का वक्त निकालें। और मैं चाहता हूँ कि दुनिया की सारी आसाइशें तुम्हारे कदमों में लाके डाल दूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो है मेरे पास। अगर मुझे तो चाहिए तुम्हारा साथ और तुम्हारा प्यार। भाई मुझे तो नींद आ रही है। मैं भी अब थक गया हूँ, मैं भी सोता हूँ। हाथ तो साफ हो गया मेरे पट्टे का, अच्छा काम किया मेरे लड़के ने। अच्छे पैसे मिल जाएंगे इस काम के। क्या बात है यार, क्या बात। हाँ भाई आ गया मेरे शेर, और काम हो गया? मैं उस्ताद खाली हाथ आया हूँ। क्यों, पैसे नहीं दिए क्या उसने? नहीं, रो रही थी बेचारी, कही 2 दिन बाद दूंगी जब तनख्वाह मिलेगी। चल ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बता कि ये इसकी आखिरी किस्त है ना, तो 50,000 पूरे हो जाएंगे ना इसके? हाँ साथ, अगर 10,000 रुपये दे देगी तो पूरे हो जाएंगे अपने पैसे 50,000 रुपये। मगर मगर क्या? मगर उस्ताद आपका ही शागिर्द हूँ मैं, उसको बोल के आया हूँ कि अगर पैसे पूरे नहीं दिए ना तो 10,000 रुपये की प्लांटी लगेगी, यानी कि 20,000 रुपये। नहीं नहीं नहीं, लगता है कि तू अपना सबक भूल गया। कौन सा सबक? अबे रबड़ को सिर्फ इतना खींच जितना वो खींच सके, वरना टूट जाएगा, समझा? ठीक है उस्ताद। देख जुल्फी, हमारा काम बहुत बारीक है, और हमारे काम में दिल से नहीं दिमाग से काम लिया जाता है, दिमाग से। ठीक है साथ, जैसा तुमने बोला है वैसा ही होगा। अच्छा जरा मेरी बात जरा ध्यान से सुन दो, इसकी आखिरी किस्त आते ही ना इसकी तस्वीरें तू इसको वापस दे, और इसकी वीडियो इसके अपने हाथों से डिलीट करवा कर इस फाइल को बंद कर दे, और खबरदार खबरदार जो तूने इस काम में बेईमानी की, बता रहा हूँ तुझे। अरे जैसा बोला उस्ताद आपने वैसा ही होगा। शाबाश शाबाश, उस्ताद की सुनेगा तो हमेशा कामयाब रहेगा। और तू वो इमरान वाला केस भूल गया है? हमने उसको जरूरत से ज्यादा खींचा, देख वो टूट गया, खुदकुशी कर ली थी उसने। क्या याद दिला दिया उस्ताद तुमने, बाल बाल बचे थे उस केस में हम लोग, वरना ऐसा लिपटते ना इमरान की खुदकुशी केस में कि हो गया था काम। देख हमारे काम में होशियारी जरूरी है, मगर ढेर होशियारी हमारा काम कर देगी, तो मेरी ये बात हमेशा याद रखना, समझा? चल गाड़ी चला निकल।
थैंक यू। थैंक यू सो मच यार। आप शाम को जल्दी आएंगे ना? बिल्कुल, तुम तैयार रहना। कोई अच्छी सी जगह जाकर डिनर करेंगे और कोई फिल्म भी अच्छी सी देख के आएंगे। और हम सीवियो भी जाएंगे, आपको पसंद है ना गीली रेत पर टहलना? वो भी तुम्हारे साथ। अच्छा, इजाजत है, ठीक है। अरे वाह जुल्फी वाह, क्या वीडियो बनाई है यार। सर हाथ किसका? हाँ भाई अकबर भाई, कहाँ हो भाई? अरे मुराद भाई मैंने कहाँ जाना है, यही है तुम्हारी बादशाही में। अरे यार कभी कभार हमारे साथ ही बैठ जाया करो यार। और यार जब से तुम घर दामाद बने हो ना, हम तो तुम्हारी शक्ल देखने को ही तरस गए हैं भाई। लगता है कि बेगम के आगे घुटने टेक दिए तुमने। अरे मुराद भाई घर दामाद जरूर बनाऊं, मगर भरम है तुम्हारे भाई का ससुराल में, वो कोई और होते होंगे जो घुटने टेक देते होंगे। हाँ। अच्छा छोड़ो सारी बातें, ये बताओ कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई या वो पुरानी वाली तनख्वाह पे काम कर रहे हो? ओ भाई पूरा कारोबार देखता हूँ अपने ससुर का, 50,000 रुपए महीना पॉकेट मनी है मेरी। वाह यार वाह अकबर भाई, तुम तो अच्छी खासी आसामी हो यार। दुआएं चाहिए भाई तुम भाइयों की, विकेट गिरने वाली है मेरे ससुर की, इधर विकेट गिरी उधर सब माल मेरा। हाँ वो तो ठीक है अकबर भाई, मगर तुमने अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया, क्या डोले शोले थे, क्या शांति तुम्हारी। हाँ यार अकबर भाई सही कह रहा है, ये क्या शांति तुम्हारी यार। और यार तुम तो बड़ी किचिट में निकलते थे और मोहल्ले की लड़कियां तो मरती थी तुम पर। हाँ यार क्या करूं, अब टाइम ही नहीं मिलता है यार इन सब चीजों का। अरे यार अकबर भाई टाइम को मारो गोली, तुम टिप टाप से तैयार होके शाम में आ जाओ, पार्टी में लेके चलता हूँ तुम्हें। नहीं यार खाना मैं घर पर ही खाऊंगा, बिरयानी बनाई है मेरी बेगम ने। अरे नहीं अकबर भाई नहीं, हम इस पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम तो उस पार्टी की बात कर रहे हैं जहाँ लड़कियां वड़कियां और भी बहुत कुछ। अच्छा नहीं यार, मगर तुम लोग जाओ यार, मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी घर पर। अच्छा तो मैं चलता हूँ, है ना। यार बस करो यार अकबर भाई, अरे तुम बीवी के पल्लू से बन के रहना भाई, बड़े भरम मार रहे थे, सारे भरम जाएगा तुम्हारे। भाई वासन ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? तुम किस्मत पे रश कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी में जब से तुम आई हो जब से मेरी जिंदगी बदली, मैं क्या था और क्या हो गया। ये तो सिर्फ आपकी मेहनत का नतीजा है, मुझे तो आप पे रश करना चाहिए कि आप जैसा केयरिंग प्यार करने वाला और इतना अच्छा शौहर मिला है मुझे। प्यार तो उसी से किया जाता है ना जो प्यार करने के काबिल हो। आप तारीफें ही करते रहेंगे या फिर लेकर भी चलेंगे मुझे? इतनी भूख लग रही है मुझे। चलें जनाब। वो आ गया, रात भर नींद नहीं आई होगी इसको, देख आते ही पूछेगा रात की पार्टी के बारे में। और भाई मुराद भाई कैसी रही कल की पार्टी? अबे छोड़ो यार तुम, अकबर भाई तुमने मिस कर दी पार्टी,
ऐसी पार्टी थी ना कि अभी तक खुमार नहीं उतरा उसका। दिल तो मेरा भी कर रहा था मगर यार। अरे अकबर भाई यार ये कब तक दिल को मारते रहोगे, एक मरतबा हिम्मत तो पकड़ो। और वैसे भी आज रात को हम लोग दोबारा पार्टी में जा रहे हैं, कहो तो तुम्हें भी पिक कर ले। अरे उस्ताद ये कहाँ जाएंगे, इनकी बीवी इनको इजाजत ही नहीं देगी। ओ भाई बच्चा नहीं हूँ, आज तो जरूर चलूंगा मैं भी, वैसे भी मेरी बीवी जा रही है लाहौर अपनी कजन की शादी में। हाँ वाह यार अकबर भाई वाह, फिर तो आज मजा आ जाएगा यार, मिलाओ हाथ इसी बात में। अबे 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 तोड़ेगा क्या यार, अब हल्का मत लेना मुराद भाई। अबे नहीं भाई बहुत भारी हो यार तुम। चलो यार बेगम को एयरपोर्ट भी छोड़ने जाना है, रात को इंतजार करूंगा तेरी कॉल का। हाँ तुम्हारे बगैर जाएंगे थोड़ी, सारा बीवी का गुस्सा यहीं पे निकाल दिया, हो गया काम। हाँ कमल आ गया कमल। आज खाना लगा दिया मैंने। नहीं तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। क्या बात है खयाम, मैंने इससे पहले कभी आपको इतने टेंशन में नहीं देखा है। धोखा भी तो पहली बार हुआ है मेरे साथ इतना बड़ा। धोखा? $5,000 का चूना लग गया है मुझे। $5,000? पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। एक पार्टी ने मुझे $5,000 दे के चली गई। तो आपको मशीन से चेक कराने चाहिए थे ना। आज सुबह ही मशीन जो है ना वो गिर गई थी और ठीक नहीं चल रही थी। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया आपका। भाई क्या कर सकते हैं, जो हो गया तो हो गया। तुम इतनी टेंशन ना लो, तबीयत ना खराब करो। वैसे भी तुम्हें लेडी डॉक्टर के पास जाना है कल सुबह चेकअप के लिए। चलें आप खाना तो खा लें, कब से भूखे हैं आप। वैसे भूख तो नहीं लग रही लेकिन तुम कह रही हो तो खा लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे बगैर तुम भी नहीं खाओगी। चलें आप भूल जाएं सब कुछ, और वैसे भी जो हमारे नसीब में नहीं होता ना वो हमें नहीं मिलता, और जो हमारे नसीब में होता वो कोई हमसे छीन नहीं सकता। हाँ ठीक कह रही हूँ चलो। साथ देखो कैसा थिरक रहा है मस्ती में एकदम। अबे हाँ यार ये तो ऐसे नाच रहे हैं जैसे कोई 20 साल का लौंडा हो। नचाएंगे तो हम इसे, ऐसा नचाएंगे इसकी सोच है। मैं तो सच ये पैसे तो दे देगा ना, और कितने देगा यार, कुछ ज्यादा नहीं। कोशिश करेंगे कि उसका 2 लाख में मामला निपटा दें, इससे ज्यादा निकालना मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। 2 लाख यार उस्ताद, इससे 5 लाख लो, अपनी बीवी से डरता कितना ही है। अबे यार होने तो 10 चाहिए मगर मुश्किल हो जाएगा इसके लिए 2 से ज्यादा निकालना, और अगर इसकी बीवी को पता चल गया तो वो इधर घर से बाहर निकाल देगी और फिर ये 2 लाख भी अपने हाथ से जाएंगे। ठीक कहते हो उस्ताद, बिल्कुल ठीक। इधर देख यार, ये देख यार। कमल ने यार क्या काम दिखाया है, ऐसे ऐसे जाविये से वीडियो बनाइए कि अकबर का निकलना तो मुश्किल हो जाएगा। पक्की हो गई, इसको छोड़ना जरा उस्ताद छोड़ना। भूख बहुत लग रही है, दोपहर का मौसम भी अच्छा हो रहा है,
चिकन कढ़ाई हो जाए आज। चिकन कढ़ाई? अरे मेरी जान, तुझसे बर्गर है क्या है? अकबर को निपटा दे, अब शाम में खुद ही आगे लड़ खड़ा था हुआ। चल कढ़ाई खाने चलते, चल यार। ये अंबर ही है ना? हाँ, ये तो 100% अंबर है। मगर ये कार वाले के साथ क्या कर रही है? अरे कार वाला है कौन? अभी लगता है कि शादी कर ली इसलिए। सर ये तो पका पकाया काम मिल गया अपने को। बासुर 2 दिन में रिपोर्ट चाहिए मुझे इसकी। 2 दिन में रिपोर्ट क्या, पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट लाके दूंगा मैं। अबे पट्टा किसका है तू? चल निकल। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। अरे क्या बात है अंबर, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? और ये पसीने क्यों आ रहे हैं तुम? आप परेशान ना, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था ना, उससे पसीने आते हैं। मैं थोड़ी देर लेटूंगी, तबीयत ठीक हो जाएगी मेरी। तुम कहती हो तो आज ऑफिस नहीं जाता। नहीं नहीं, आप जरा जरा सी बातों पे परेशान हो जाते हैं। आप जाएं ऑफिस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले आपका बहुत नुकसान हो गया है। चलो फिर मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है। वाह यार मुराद भाई, क्या बात है यार तुम्हारी, रात को तो मजा आ गया पार्टी का। यार मैं तो बोलता हूँ इस हफ्ते में 1-2 पार्टियां और रख लेते हैं। वाह भाई वाह, बड़े मजे आ रहे तेरे है? और मुफ्त में पार्टियां नहीं होती हैं, नोट खर्च होते हैं नोट। यार कर दी ना हल्की बात मुराद भाई, मैं भी हल्का नहीं हूँ नोटों से। अगली पार्टी का सारा खर्चा मेरी तरफ से, बस तुम पार्टी का इंतजाम करो। अरे हमारी पार्टियां तो रुकने वाली थोड़ी है, वो तो चलती रहेंगी। बस तू अपनी बीवी के घर आने से पहले पहले अपनी रहाइश के लिए किसी खोली का इंतजाम कर ले। क्या हो गया मुराद भाई, कैसी बातें कर रहे हो ये? ये देख ये हो गया। क्या? और ये देखने के बाद तेरी बीवी तुझे घर से लात मार कर निकाल देगी बाहर। और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बोल है ना $1 million की वीडियो। चल फिर ऐसा कर कि 2 लाख पहुंचा दे और किस्सा खत्म कर। आग गई बात गई, और फिर हो जा तू फिर। ये तुमने अच्छा नहीं किया मुराद भाई। इतना गुस्सा नहीं अकबर भाई, इतना गुस्सा नहीं, ठीक है? इंतजाम करो 2 लाख। चल शाबाश निकल। अबे देख अंबू, तुझसे मैंने कह दिया ना कि 2 दिन में मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, तो बस 3 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास सिर्फ 1.5 लाख रुपए हैं, अगर चाहिए तो ले लो।
अब तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती क्या है? अगर 2 दिन में मुझे 3 लाख रुपए नहीं मिले ना, तो सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो देख लियो। 3 लाख रुपए नहीं है, 1.5 लाख रुपए चाहिए तो बात करो। कैसा करके? अब शाबाश, तू निकल ले यहाँ। शाबाश, जा जा जा। अबे जा, तेरे से बहुत देखे मैंने। और देख लियो, बहुत आए तेरे जैसे मुझे देखने वाले। 2 दिन बाद ना सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो देखियो, बहुत देखे तेरे जैसे मैंने। साथ एक खबर लाया हूं। देख यार सुफी, अगर कोई अच्छी खबर है तो बात कर, वरना तू भी निकल यहां से। साथ क्या हो गया, मुझ पे भी गुस्सा उतार रहे हो? मैं तो खुशखबरी लाया हूं। हाँ तो जल्दी बताना खुशखबरी क्या है। अंबर की शादी हो गई है और वो बंदा उसका शौहर था। अबे ये बता के वो पार्टी कैसी है, उसका स्टेटस क्या है, कुछ पता किया कि नहीं किया तूने? साथ सब कुछ पता कर लिया मैंने। गाड़ी उसकी अपनी है, घर नॉर्मल है मगर अपना है। और मजे की बात यह है कि वो डॉलरों में कमाता है। इसका मतलब है कि हमें अब अंबर के घर जाना पड़ेगा उसकी शादी की मुबारकबाद देने के लिए। तो बेटा तू ऐसा करके अंबर के लिए ना कोई अच्छा सा तोहफा तैयार कर। उस्ताद तोहफा क्या, मैं तो सलामी भी तैयार कर ली है और तोहफे पे ना लाल कलर का रिबन भी बांध दिया। मैं तो मेरे यार देर किस बात की है, कल ही चल के एंट्री मारते हैं, ठीक है ना? अरे मेरे यार गले तो लग जा, खुश किया आज तूने मुझे, मूड अच्छा कर दिया मेरे भाई ने। हाँ तुझे कोयला कढ़ाई खिलाते। हाँ चलो तुम आगे चलो। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ पर? अंदर आने को नहीं कहोगे? खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से, मेरे शौहर को पता चल गया तो। अरे अरे तुम तो ऐसे घबरा रही हो कि जैसे हमें जानती नहीं। हम तो यहाँ तुम्हें तुम्हारी शादी की मुबारकबाद देने के लिए आए। घबराओ नहीं, हम वापस जाने के लिए ही आए हैं। हाँ, इमरान याद है तुम्हें या फिर भूल गई? इमरान कुछ पुरानी यादें महफूज है हमारे पास, तुम्हारी और इमरान की। कहो तो दिखाऊं तुम्हें? देखो ये ना। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं देखना। अरे देख लो देख लो, देखने के पैसे नहीं है। हाँ अलबत्ता ये पुरानी यादें जाया करने के पैसे जरूर है। कितने? सिर्फ 5 लाख रुपए। 5 लाख? 2 नंबर धंधे में 2 नंबर ही नहीं करता। बेफिक्र हो जाओ, दोबारा तंग नहीं करूंगा तुम्हें। इमरान की खुदकुशी के बाद मैंने ये पक्का असल बना लिया। लेकिन मैं इतनी जल्दी कैसे बंदोबस्त करूंगी 5 लाख का? वाह वाह, शहर का डॉलरों का बिजनेस और तुम्हें फिक्र है रुपए की। चलो खैर है, ये बताओ कि दोबारा कब आओ? मुझे थोड़ा टाइम तो दो तुम। टाइम ठीक है, 1 दिन बाद में इसी वक्त आऊंगा। और हाँ आखिरी मर्तबा।
क्या हालत बनाई हुई तुमने इमरान, बस बहुत हो गया। इन पार्टीज में जाने से कुछ भी नहीं मिलता सिवाय आवारगियों के। और वैसे भी मुझे अकल आ गई है, इन पार्टीज में जाना ना सिर्फ अपनी बदनामी करवाना है, तभी मैंने छोड़ दिया तुम्हारे साथ पार्टीज में जाना। जान तो मैं भी छुड़ा चुका हूँ इन आवारगियों से, मगर इन कितों से जान कैसे छुड़ाऊं जो पुटियां नोच रहे हैं मेरी। गिद? कौन गिद? वही मुराद और सुल्फी। वीडियो बना ली है लोगों ने मेरी आवारगियों की और अब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? 5 लाख रुपए के बहनों के जेवर चोरी करके इनकी डिमांड पूरी कर चुका हूँ, मगर अभी भी लिपटे हुए हैं मुझसे। इनकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। तो फिर अब क्या करोगे तुम? पता नहीं अंबर, तुम मेरी छोड़ो और अपना सोचो। मुझे नोचने के बाद ये तुम्हारी तरफ जरूर लपकेंगे। मेरी तरफ? तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम जितनी जल्दी हो सके खामोशी से अपनी वालदा को लेकर कहीं दूर शिफ्ट हो जाओ। अच्छा इमरान, मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होती है। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, बस हल्के हल्के से चक्कर आ रहे हैं। आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे बैठो भाई, खाना भी खा लेंगे जब भूख लगेगी। लंच भी तो नहीं किया होगा ना आपने? अरे छोड़ो लंच वंच को, एक अच्छी खबर सुनाता हूँ तुम्हें। क्या? डॉलर के रेट मार्केट में बढ़ने की वजह से मुझे $1,000 का फायदा हो गया, और अब वो जो घर हम सोच रहे थे लेने के लिए वो भी हम आराम से खरीद सकते हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या बात है अंबर, लगता है कि तुमने आराम नहीं किया, लग गई होगी घर के कामकाज में। नहीं नहीं, सुबह से आराम ही कर रही थी मैं। आराम का मतलब मुकम्मल आराम होता है। करता हूँ मैं इंतजाम कोई मुलाजमा का घर के कामकाज के लिए। नहीं नहीं, घर का काम ही कितना होता है, कोई जरूरत नहीं है मासी वासी की। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसी आपकी मर्जी। चाय बनाने जा रही हूँ मैं, मूड हो रहा है मेरा, आप पियेंगे ना? चाय का मूड तो मेरा भी हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, आज मौसम बड़ा आशिकाना हो रहा है। लग तो रहा है। अरे वाह भाई वाह, ले भाई ले, अकबर ने तो तेरे भाई के नाम पर 2 लाख ट्रांसफर करवा दिए। वैसे तेरा भाई भी होशियार हो गया, कैश नहीं लेता, क्या पता कि कोई जाली नोट दे जाए। वैसे गलती हो गई हमसे, अकबर इतना बड़ा डरपोक इंसान है, सोचा भी नहीं था। 3 लाख बोलने थे उसको, इतनी जल्दी पैसे ट्रांसफर कर दिए उसने। अबे अबे अबे, फिर वही लालच है। अबे ये लालच ही ना बंदे को मरवा देती है। हाथ हल्का रखने से ना काम भी आसान हो जाता है। चलो ये भी सही है, 5 लाख रुपए अंबर दे देगी, 2 लाख ही आ गए, अपना लकी नंबर 7 बन गया उस्ताद। ये बता के पासपोर्ट रेडी? साथ तुम पासपोर्ट की बात कर रहे हो, मैं तो बैग तक रेडी करके रखा हुआ है। वाह भाई वाह, तो चल फिर आज ही बैंकॉक का वीजा लगवाते चल के। बैंकॉक? एक बात बोलूं, काफी दिनों जिस्म में बड़ा दर्द हो रहा है मेरे। अबे तेरे बड़े मजे आ रहे हैं। अरे एयरपोर्ट पे 2 आदमी नकली डॉलर्स कैश करवाते हुए पकड़े गए। तफसीलात के मुताबिक मुराद खान और जुल्फिकार नामी शख्स उस वक्त पकड़े गए जब वो बैंक से नकली डॉलर्स कैश करवा रहे थे। बाकी पेज नंबर 3 पे। अरे छोड़े ना खबर वबर को, चाय पिए, ठंडी हो रही है। अरे वो याद आया, वो जाली डॉलर्स जो मैंने तुम्हें दिए थे वो कहाँ रखे हैं?
वो तो मैंने जला दिए। क्या जला दिए? चलो अच्छा किया, मेरे दिल में बेमानी आ रही थी, मैं सोच रहा था उन जाली डॉलर्स को कहीं जला दूं। अच्छा बात सुने ना, मिठाई खाने का बहुत दिल चाह रहा है मेरा। अरे वाह, आज तो बेगम बड़े मूड में। जाए ना मिठाई लेकर आए, और वैसे भी छुट्टी का दिन है ना, हम खाना भी बाहर जाकर खाएंगे। जो हुक्म सरकार का, मिठाई लाते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप, चाय तो पीते जाएं। हाँ ये बात ठीक कर रही हो, पहले चाय पी लेते हैं। जाली डॉलर्स जो मैंने तुम्हें दिए थे वो कहाँ रखे हैं? वो तो मैंने जला दिए। थैंक यू, ये लो अपनी तस्वीरें और ये लो मोबाइल, और अपने हाथों से अपनी वीडियो डिलीट कर। क्यों एतबार नहीं है मुझ पर? एतबार तो है तुम पर, और क्या है कि अपने लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा मैं चलता हूँ, क्योंकि तुम्हारे शौहर के आने का टाइम हो गया। और हाँ, आइंदा तुम ये मनोसूरत नहीं देखूंगी।